डांट उठा एंड बाहर देखा तो बारिश हो रही है इट्स ड्रिजलिंग समथिंग मतलब हल्की हल्की फुहारी हो रही है मैं शावर इन ओनली अभी फ्रेशन अप होता हूँ नहाऊंगा एंड एक यूनिवर्सिटी से मतलब मैंने कल रात को देखा था कि अटेंडेंस वगैरह का कुछ है आज तो आई विल बी गोइंग टू द यूनिवर्सिटी वरना मेरा यूनिवर्सिटी जाने का कोई प्लान नहीं था अभी तो जाके जो अटेंडेंस का सीन है वो देखता हूँ एंड लेट्स सी क्या कैसे क्या अटेंडेंस है वहाँ पे और मतलब अलग अलग डेज में था कि इंजीनियरिंग वालों के लिए 11 कौन है साइंस वालों के लिए 10 कौन है बट मेरा साइंस भी है मास्टर्स एमएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेरा इंजीनियरिंग भी हो गया तो मेरे को पता नहीं कि मेरे को आज जाना है कल जाना है तो आई विल बी गोइंग टू द बोथ डेज एंड लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं कुछ तो होगा ही तो इसमें मैंने अपने जो स्प्राउट्स मैं भिगोता हूँ वो डाल लिए और ये अपनी चाय माइक्रोवेव करके इनको गर्म कर लिया रात के चावलों को अभी खा के बारिश देखो यार बारिश तो बढ़ती जा रही है कोई नहीं लेट्स सी ये फिनिश कर लूँ टी राइस एंड नहा के फिर निकल रहा हूँ भाई जाके आपको यूनिवर्सिटी में दिखाता हूँ वैसे तो मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ है बट आई वॉन्ट टेक द रिस्क स्टे ट्यून्ड आज यूनिवर्सिटी से मेरे को ये गुडीज दिए हैं कुछ नोटबुक ये पैम्पलेट है इसमें मतलब पूरे वीक की जो है वो दिखाऊंगा मैं आपको और एक ये कॉफ़ी का मतलब मग टाइप में मतलब सिपर और इसको तो मैं रख लेता हूँ अभी मेरे को लगा कि ये वहाँ पे रखे इतना तो मेरे को लगा यार ठीक है बारिश हो रही थी अच्छी एक बढ़िया कॉफ़ी मिल जाएगी बट काली निकला कोई इशू नहीं काम आएगा और इसको रख लेता हूँ अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या वीक में तो पैट एज थेरेपी जॉइन अस फॉर द पैट एज थेरेपी डीज सो दिस इज द टेम्पलेट फॉर द वीक आज फर्स्ट वीक में यही दो हैं एक तो आज 4 बजे होगा और कल 2 प्रोग्राम हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक और एक 5:30 से लेके 7 बजे तक आई विल बी अटेंडिंग देम बोथ अभी इसको रख लेता हूँ अंदर देखो मेरे को इतना कुछ इंटरेस्ट तो है नहीं इवेंट्स इनको अटेंड करने का बट वाई नॉट एक अच्छे मीट एंड ग्रीट हो जाएगा आई एम कैरिंग माई अम्ब्रेला आउट नाउ और अभी मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग की फैकल्टी के साइड जा रहा हूँ और देख रहा हूँ वहाँ पे अगर मेरे को मेरे सीनियर्स या फिर कोई मेरे ही बैच का मिला तो उनसे बात करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक एक बंदा नहीं मिल लिया है अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ माय कोर्स तो कोई नहीं अकेले ही पढ़ने में मजा आता है द प्राइवेट ट्यूशन तो कोई नहीं बहुत ऑब्वियसली यार होंगे ही बट देखते हैं कि कौन मिलेगा कैसा बच्चे होंगे कैसा क्लास का इन्वॉल्वमेंट होगा पूरा उसमें लैंप्स वगैरह
यार मेरे को पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मेरी ब्रांच के मेरे कोर्स के स्टूडेंट क्यों नहीं मिल रहे। या तो मैं सही जगह नहीं पहुंच रहा या वो अभी आए नहीं है। डोंट नो, गॉड नोज। ये पूरी लाइब्रेरी है वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। तो मैं अपने रूम पे आ गया और बारिश अब बंद हुई है। अभी जो ये हीटर होते हैं, ये हीटर होते हैं रूम हीटर, बट ड्यू टू क्राइसिस ये चल नहीं रहे, वरना तो इन पे ही कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, इनके ऊपर रख दो वो सूख जाते हैं अपने आप। बट आई एम ट्राइंग माई देसी जुगाड़, और वो है कि ड्रायर से मैं अपनी जैकेट को ड्राई कर रहा हूँ। तो दैट्स गोइंग, वहाँ पे ड्रायर कनेक्ट कर रखा मैंने और इसकी वेंटिलेशन इस टाइप से कर रखी है कि अंदर जाके प्रॉपर इसको थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो इसको ऐसे कर रखा कि जल्दी ये ड्राई हो जाए। एंड अभी देखता हूँ मैं, अगर कुछ बनाने का मन तो मेरा कर नहीं रहा ऐसा कुछ खास, बट अगर कुछ मन हुआ तो बना लूँगा। अभी वापस जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, तो जो एक 4 बजे का सेक्शन था जिसमें गेम्स एंड चिल समथिंग लाइक दैट, वो देख के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक भी वेलकम इवेंट अटेंड नहीं किया अभी तक। और मेरे को अभी पता चला जो वो QR कोड उस पे था, उस पे सारी चीज़ मैंशनड है कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। देयर इज़ अ स्पेशल बिल्डिंग दैट्स स्टूडेंट हब, और उस हब में दे आर कंडक्टिंग मैनी एक्टिविटीज़। लेट्स सी कि कैसे क्या होगा। एक्चुअली आई एम रनिंग लेट एज ऑलवेज, तो जो इवेंट है वो 4 बजे स्टार्ट होना था एंड अभी हो रखे हैं 3:56, और होप मैं 4 मिनट में पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। पहुँच ही गया, मतलब ये कैंट यूनिवर्सिटी और उससे अगली हमारी यूनिवर्सिटी है, तो आई विल बी ऑन टाइम। आई ऑलवेज रन लेट बट आई रीच ऑन टाइम, तो यही है कि भाई कोई नहीं, मैनेज करना आना चाहिए बंदे को। अब मैं अपनी जो नॉर्मल वॉक है उससे थोड़ा सा ही चल रहा हूँ, मेरे को पता है कि यार थोड़ा सा टाइम की उससे लेट चल रहा हूँ, तो ये चल लेना चाहिए। और अभी आएगा यही है जो स्टूडेंट अब है, वो लाइब्रेरी से इस साइड वाला है, मतलब कि जिस साइड से मैं जा रहा हूँ उसी साइड से लाइब्रेरी से पहले, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी, आई डोंट हैव टू वॉक दैट मच। एंड आई एम पुटिंग माई फोन डाउन, वहाँ जाके दिखाता हूँ फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। Stay tuned. They have kept all the games and few of our seniors have arrived and there is the drink section. Exams are going on, तो अभी सीनियर ज़्यादा आए नहीं हैं एंड लेट्स सी अगर कुछ खेलने को मिलता है तो खेल लेंगे यार, क्या बात होगी। दे हैव प्रीटी कूल गेम्स, लेट्स सी अगर कुछ होता है तो आई विल बी प्लेइंग टू। I am bad at remembering names, so I will be remembering his name after a few days.
तो जब खेल रहे थे तब मिला ये भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेड जिंगा एंड देन यूनो एंड देन पूल। टुडे गेम सेशन वाज प्रीटी गुड। वी प्लेड 3 games एंड तीनों मजेदार हुए। बस अभी गोइंग फर्स्ट वी विल ड्रॉप फर्स्ट वी विल गोइंग टू हिज प्लेस एंड देन आई विल वॉकिंग टू माइन। इसी बहाने मैं भाई का घर भी देख लूँगा कहाँ पे रहते हैं। एंड सेकेंडली जो भाई के एजेंट है वही मेरे एजेंट है। तो मिस्टर ड्रेक तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड।